अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिद वहाब और आज हम आपके सामने एक विंडो एसी हमारे पास जिसकी हम आज ऐसी की कैसी करेंगे। कहने का मकसद है कि इसको तोड़ फोड़ देंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा तारफ करवा दूँ। ये है इसका इवापोरेटर और ये इसका है कंट्रोल पैनल जहाँ से ये सिलेक्टर सोच थर्मोस्टेट और ग्रिल को मूविंग और ये इसकी मेन केबल है। ये इसका थर्मोस्टेट का सेंसर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इसका ये है इसका मेन जो कंप्रेसर है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि रोटरी कंप्रेसर है वो बिल्कुल छोटे से आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी ड्यूटी कंप्रेसर लगा हुआ है। और ये देखें छोटा सा इसका फैन मोटर का जो कैपेसिटर है, ये इसके अंदर ब्लोअर लगा हुआ है। और ये देखें जी, हमने पार इसके पहले ऑलरेडी खोल लिए थे। ये इसके फैन के और ये इसका कंडेंसर है। देख सकते हैं जो लोग विंडो एसी के बारे में नहीं जानते उनको मैंने कहा थोड़ा सा चलिए इसका तारफ करवा दें, क्योंकि आजकल के दौर में तो ये है ही नहीं मार्केट में। और क्योंकि ये बिजली ये बंद होने का मकसद ये था कि जहाँ पे आप तीन सिमिलर एसी चलाते हैं वहाँ पर ये एक विंडो एसी काफ़ी है, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है कि इसका बिल आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज हम इसको क्योंकि यहाँ पर कोई ले नहीं रहा, हमने कहा पेज नजर आ रहा है खोलते जाए। ये जी इसकी कैपिलरी ट्यूब इसके आप शायद हम गैस इसमें हो ना हो अभी देखते हैं। हम ये जी इसमें गैस नहीं है, ये इसकी कैपिलरी हैं जी जिस तरह हम सिपलेट एसी में होती हैं। ये हम अभी पैदा कर लेते हैं। इसको वहाँ पे एक साइड भी पत्थर कर दीजिए। ये जी इसका वापरेटर है, आप देख लीजिए। जो ज्यादा लोग पेट है वो इससे नहीं खोल रहा है। वो काम की चीज है तो तरफ होना काट दे काट दे।
मंदिर रूम से देखेंगे। चलो ये जी इसका कंडेंसर है, ये जी इसका कंडेंसर है, ये हमने इसका सब कुछ ही खोल दिया है जी। वालेकुम अस्सलाम। चलो फेंक दो, लो जी 8 मिनट में इंशाल्लाह विंडो एसी पूरे का पूरा हमने अल्लाह की रहमत से खोल दिया। कैसन कुछ और किया? ये लें जी विंडो एसी 0 से हीरो से 0 बन गया बेचारा। एक वक्त था इसको पूरी दुनिया जानती थी और आज हमने इस बेचारे का क्या हल कर दिया, आप खुद अपनी आपकी आंखों के सामने है। ये है जी अबू बकर साहब, ये है जी हसन साहब और ये है चौधरी सुलेमान साहब। इन तीनों ने 8 मिनट में पूरे का पूरा विंडो एसी जो है वो उसका सत्यानाश कर दिया और मजबूरी थी हमारी।